हेलो दोस्तों, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम आपका 5 सितंबर को होना तय किया गया है। उसी में लेबर लॉज की एक सीरीज़ में, जो हमारा यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स चल रहा है, उसी में लेबर लॉज के सीरीज़ में हमारी अगली वीडियो है। क्योंकि देखिए, ईपीएफओ का एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी ने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का काम एग्जैक्ट क्या है, और इससे रिलेटेड छोटी मोटी डिटेल जो आपको आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में, यानी ईपीएफओ के एग्जाम में आपके आ सकती है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारी अगली वीडियो आएगी, उसमें हम लोग एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विसेज, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती हैं आपको, और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो जब लॉन्च हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और ईपीएफओ की कंप्लीट कोर्स की सीरीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपने नहीं अभी तक देखा होगा तो जाके सारी वीडियो को हमारे देखिएगा। और आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसी शिकायत थी जो जानना चाहते थे हमारे बारे में, हमसे कॉन्टेक्ट करने चाहते थे, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आप इंस्टाग्राम पे कैसे अवेलेबल हैं। तो ये देखिए, हमारा जो है इंस्टाग्राम का हैंडल है, ये हमारा फेसबुक का हैंडल है, और ये हमारा व्हाट्सअप का हैंडल है। आप कहीं पे भी जाके हमसे जाके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अच्छा, मिनिस्टर कौन है लेबर लॉज के? लेबर मिनिस्टर इस समय प्रेजेंट में कौन है? भूपेंद्र यादव इस समय प्रेजेंट में लेबर मिनिस्टर है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। हालांकि इसको हमने ऐड नहीं किया है, इस कारण यह है कि देखिए, लेबर मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं, अभी तक तो बहुत लेबर मिनिस्टर आ चुके हैं, और हर 5 साल पे कोई ना कोई चेंज होता ही होता है, तो उसके लिए हमने इसको ऐड नहीं किया। लेकिन चलिए, आप याद रख लीजिए इस नाम को, फिलहाल प्रेजेंट में यही है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिनिस्ट्री, यानी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात है, जब से देश आजाद हुआ, तो उसमें जो बहुत ही पुरानी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनमें से एक है लेबर एम्प्लॉयमेंट। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपको बताते हैं, इसकी जिम्मेदारी। आखिर क्या बात पड़ी कि लेबर लॉ, लेबर और एम्प्लॉयमेंट ऐसी एक मंत्रालय को बनाना पड़ गया? तो ये हमको पता चलेगा तभी जब उसके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई है उसको हम जब ध्यान में रखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को आखिर कौन कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो कि दी गई। तो देखिए, सबसे बड़ा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ये है कि इसको जो ये क्या करता है, जो वर्कर्स होते हैं, अगर जनरली इसको हम जनरल भाषा में अगर देखें, कि एक नॉर्मल वे में, एक आम साधारण व्यक्ति की भाषा में, तो देखिए इसका इसका अगर काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना और बचाना। बचाना किसका? वर्कर्स के इंटरेस्ट का, यानी कि जो वर्कर्स चाहते हैं उन पर कोई मालिक अपना दबदबा ना बना पाए, यानी उनसे मनमाना काम करा के उनका शोषण ना कर पाए, तो इसके लिए अपना दबदबा बनाने के लिए ये चीज होती है। और साथ ही साथ, और अगर ये तो मैंने आपको जनरली बता दिया, और अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं, स्पेशली मैं बात करूं, तो देखिए, जो लोग गरीब हैं या मतलब एक पुअरेस्ट सोसाइटी से आते हैं और कहीं काम करने पर मजबूर हैं, और जिस एडवांटेज सेक्शन, यानी कि जैसे एस टी इस टाइप के जो भी लोग हैं, जो आते हैं जिनके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं होती और उनको छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं सोसाइटी में, और तो ये इन लोगों की रक्षा के लिए ये जो है, जनरली अगर देखा जाए तो ये इन वर्कर्स की प्रोटेक्ट, ये वर्कर्स जो हैं, ये कौन है? ये वही गरीब डिप्लॉयड, यानी कि जो लोग गरीब दबे कुचले लोग हैं, और जो जिस एडवांटेज, यानी जिनको उतनी एडवांटेज नहीं मिली पहले के समय में, जैसे एस सी एस टी जितने हैं, वो लोग आते हैं इसके अंदर, उनके उनके अधिकार इंटरेस्ट को, यानी वो जो चाहते हैं उसको प्रोटेक्ट करना, और सॉरी प्रोटेस्ट लिखा है ये, प्रोटेक्ट करना, और साथ ही साथ उनके अधिकारों की रक्षा करना। तो ये चीज इनका एक जनरल काम है। अगर पर्टिकुलर काम बोलूं तो ये एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट को इनको बनाना इनका मेन काम है, और उसके लिए ये हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है, जिससे कि प्रोडक्शन भी बढ़े और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, और साथ ही साथ जो वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग, यानी जो एक स्किल डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग होती रहती है समय समय पर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल पाए, उसकी पूरी तरह से को डेवलप करना और कोऑर्डिनेट करना इस तरह की चीज़ों को, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज जो हैं उनको।
तो ये इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी होती है। अगर जनरली वे में देखें तो इसका काम है वर्कर्स होते हैं जैसे कि पुअर हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, एसएससीज हैं, वो उनको जो है उनके इंटरेस्ट की रक्षा करना और साथ ही साथ एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना, पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो एक जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ सके, प्रोडक्टिविटी बढ़े और साथ ही साथ एक वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग एवं एम्प्लॉयमेंट सर्विस में डेवलप और कोऑर्डिनेट हो सके। फोकस फोकस की बात करते हैं। आखिर जब ये मिनिस्ट्री काम करती है तो जैसे हमने बता दिया कि इसकी जिम्मेदारी, इसको ये जिम्मेदारी दी गई है, इसका फोकस क्या होता है कि इसका फोकस होता है कि वेलफेयर को, यानी जो भी भलाई का काम होता है उनको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, प्रमोट करना और साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी को देना लेबर फोर्स में, दोनों में, अनऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर में। अगर ऑर्गेनाइज, आप लोगों मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन कौन से हैं इंडिया में, आप लोग मुझे बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मुझे बताइएगा कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कौन कौन से हैं इंडिया में। अब अल्टीमेटली देखा जाए तो लिबरलाइजेशन, यानी कि जो एक आजाद, एक जो कहा जाता है ना विमुद्रीकरण, उस चीज को लेकर देखा जाए तो ये वेलफेयर और साथ ही साथ देखिए वेलफेयर का प्रमोट करना, सोशल सिक्योरिटी को देना, जो भी लेबर फोर्स है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इसका मेन फोकस जो एरिया रहता है वो होता है इसी के इर्द-गिर्द इंडस्ट्री काम करती है। अगर आप ईपीएफओ में सेलेक्ट होकर जाते हैं तो आपको भी इसी के इर्द-गिर्द काम करना होगा। आप देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट का क्या इसमें बात है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉम्पिटेंट होती है लेजिस्लेशन को बनाने के लिए, यानी इससे रिलेटेड कानून जो बनाने के लिए। कारण क्या है, जो लेबर लॉज है, लेबर लॉज कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। लेबर लॉज यानी कि लेबर मिनिस्ट्री जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, समवर्ती सूची का मतलब होता है कि इस पर जो बनने वाले कानून है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, दोनों बना सकते हैं। क्योंकि देखिए लेबर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है कॉन्करेंट लिस्ट का, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए यहाँ पे टोटल क्या है, 44 लेबर से रिलेटेड जो है कानून बने हुए हैं, जो कि बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जो डील करता है जो मैक्सिमम, जिसका जो फोकस एरिया होता है वो होता है मिनिमम वेजेस, यानी कि जो एक बेसिक इनकम होनी चाहिए वो तो मिलनी चाहिए, एक रोजगार, एक तनख्वाह जो होती है, और साथ ही एक्सीडेंटल और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर किसका एक्सीडेंट हो जाता है काम करने में तो उसको भी पूरा बेनिफिट, साथ मेडिकल बेनिफिट और साथ ही साथ उसकी हिस्ट्री, सारी चीज़ें उसको पर्याप्त मिलनी चाहिए, पेंशन स्कीम, ये सारी चीज़ों को देखना वहाँ के मालिक का काम है, और साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होता है वो सारी चीज़ें देखनी है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी भी देखना है उन्हें कि वर्क इन्वायरमेंट ठीक होना चाहिए वहाँ का, और जो काम किया जा रहा है ऐसा नहीं कि कोई खराब मशीन पर काम करने को लगा दिया गया, सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए और चलने लायक होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप किसी को आप ऐसे जानबूझ के किसी ऐसे जगह आप दे दीजिए, उसको काम दे दीजिए जहाँ पे उसको नुकसान होना तय हो, तो उसके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ को से रिलेटेड और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या है, ऐसा नहीं कि उससे उसका आप शोषण कर रहे हैं। शोषण करने का मतलब ये है कि आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो आप उसे 12 घंटे काम ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उस हिसाब से कौन कौन से लेने चाहिए उससे रिलेटेड, और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन को बनाना और इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन सबसे रिलेटेड चीजों के लिए 44 लेबर से रिलेटेड कानून ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिए हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन है, इस फंक्शन का मतलब होता है वो काम, मतलब ये कौन कौन से काम इनके अंदर में आते हैं, जैसे मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बता दिया कि इसकी जिम्मेदारी क्या है, फोकस एरिया क्या है वो बता दिया, अब एग्जैक्ट इसका काम क्या है वो हम बताते हैं। देखिए लेबर पॉलिसी और लेजिस्लेशन यानी कि लॉज को बनाना, लेबर से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए, आगे हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ों की चर्चा, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम को बनाना, एक पॉलिसी क्रिएट करना, ये काम होता है इसका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का। दूसरा होता है सेफ्टी यानी सुरक्षा देना, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का ध्यान देना, वेलफेयर करना यानी कि उनके हितों की रक्षा करना, ये काम, ये भी एक काम होता है इसका। सोशल सिक्योरिटी देना लेबर को, सिक्योरिटी पूरी तरह से होनी चाहिए, वो एक दबाव वाले एनवायरनमेंट में वो काम ना करे, इसका ध्यान देना। साथ ही साथ जो पॉलिसी होती है जो कि स्पेशल टारगेटेड ग्रुप्स हैं जैसे वुमेन और चाइल्ड लेबर, इसको इस पर स्पेशल ध्यान देना, इससे रिलेटेड जब भी कोई भी पॉलिसी बनाया जाता है तो उस समय वुमेन और चाइल्ड लेबर को स्पेशली ध्यान में रखा जाए और उनको रख के ही कानून, ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट उसका ऐसा होना चाहिए जो उनसे रिलेटेड ना हो। अब अगला है क्या, इंडस्ट्रियल रिलेशन और साथ साथ जो लेबर लॉज उनको इन्फोर्स करना सेंट्रल स्फीयर में, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन से इंडस्ट्रियल रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी उनको कदम उठाने हैं वो उठाना, और साथ ही साथ जो लेबर लॉज ये लोग बनाएंगे उसको पूरी तरीके से, क्योंकि क्या होता है कि लेबर लॉज ज़्यादातर लेबर्स के हित में होते हैं तो उसमें एम्प्लॉयर जो होता है यानी कि जो मालिक होता है वो नहीं चाहता कि लेबर के हितों में काम हो, कई बार ऐसा होता है वो उनका शोषण करके ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहता है, तो इसके लिए क्या होता है कि सेंट्रल स्फीयर में लेबर लॉज को कैसे हम इन्फोर्स करें उसका ध्यान देना है। अब अगला क्या है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनमें एक मतलब
मध्यस्थता करना, उसकी उसको रोकने के लिए जो भी उससे रिलेटेड कानून है उसको ध्यान में रख के बनाना, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है, ये इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के द्वारा, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कम लेबर कोर्ट्स को देखते ध्यान में रखते हो, और साथ ही साथ नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी नियम कानून है उसका पूरा ध्यान देना। इसका काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है कि जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहे हैं उनके से रिलेटेड जो कानून बनने चाहिए उसका काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और साथ ही इसमें इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल और कम लेबर कोर्ट्स यानी कि ट्राइब्यूनल और लेबर कोर्ट जो दोनों हैं वो उनकी जो है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में ध्यान देना। नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ये सारी जो चीजें हैं उसमें उनका उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी कानून है उसको बनाने में ध्यान देना। वर्कर्स के एजुकेशन यानी कि जो वर्कर्स हैं उनका एजुकेशन का, उनके बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि जो टाटा है, टाटा अक्सर दो बच्चों का लेती है, दो बच्चों का, दो बच्चे ऐसे होते हैं जो टाटा क्या करती है कि जिनका खर्च स्टडी का जो भी खर्च है वो अपने ऊपर लेती है, वो उठाती है उसको, और वो टाटा क्या, टाटा का टारगेट ये होता है कि दो, कि वो बच्चों को, मतलब जो माँ बाप काम कर रहे हैं, मतलब या कोई भी, अगर कोई भी आपके परिवार के अक्सर टाटा में काम करता हो कोई बात पता होगी, तो वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो उसमें कम से कम दो बच्चों का खर्च उनके स्कूली शिक्षा बाकी सारी चीज़ों का उठा सके, तो ये वर्कर एजुकेशन भी मतलब इसमें पूरा जाता है। साथ ही साथ लेबर और इसमें एजुकेशन में एक चीज़ और आती है वर्कर्स एजुकेशन में, स्किल ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि स्किल ट्रेनिंग भी जरूरी है जिससे वर्कर जो है प्रमोट हो सके अपने इंडस्ट्री में, तो उसका ध्यान देना। इसमें वर्कर्स के बच्चे भी आ गए और वर्कर्स भी आ गए, और साथ ही साथ लेबर और एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स को प्रोवाइड कराना, जैसे कि जिससे कि हम आगे के जो भी कानून है वो ले सकें। जैसे आप लोग भी कोई भी किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको मॉक टेस्ट देते होंगे, मॉक टेस्ट देने के लिए आपको भी एक स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी जिससे आप जान पाएं कि आप किस एरिया में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और किस एरिया में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगला बात करते हैं, देखिए 9 नवंबर 2014 से स्किल डेवलपमेंट जो चीज़ें होती हैं वो, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना किसी को, वो एक तरह का एक स्किल को डेवलप करने वाला चीज़ हो गया। अप्रेंटिसशिप होता है जो जो कि एक अपने अंडर में रख के असिस्टेंट बना के जिससे काम सिखाया जाता है किसी को, वो जो है ये दो चीज़ें यानी स्किल डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप, ये दो चीज़ों को ट्रांसफर कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2014 से किया गया, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। तो स्किल ऐसा क्यों किया गया, आप देखिए आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर 2014 में आखिर सब चीज़ें ठीक चल रही थी तो आखिर क्या जरूरत पड़ी कि स्किल डेवलपमेंट को, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को, अप्रेंटिसशिप को ट्रांसफर करना पड़ा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में। तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है, जैसे नाम से आपको पता चला होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड अगर एक देश तभी आगे बढ़ता है जब उसकी इकोनॉमी आगे बढ़ती है, जैसे चाइना है, चाइना आज के डेट में आ गए, कारण क्या है, उस यहाँ की इकोनॉमी बढ़ रही है। इकोनॉमी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म अपना एक जगह बना रहा है। कैपिटलिज्म से क्या होता है, कैपिटलिज्म का मतलब होता है जो कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कर पाए, और वो क्रिएट करने की क्षमता होती है बिजनेसमैन के अंतर्गत, तो एंटरप्रेन्योरशिप उसी का एक हिस्सा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को इसलिए बनाया गया जिससे कि हमारे देश में उद्यमी तैयार हों, यानी कि हमें जॉब सीकर से, जो मोदी जी का भी एक स्लोगन था कि हमें बनना है जॉब सीकर नहीं बनना, हमें बनना है जॉब प्रोवाइडर यानी कि जॉब देने वाला बनना है। तो इसका हमें ध्यान, इसका ध्यान देने के लिए ये बनाया गया। तो और इससे एक और फायदा हुआ कि जब एक ही मिनिस्ट्री के अंदर सारा सारा बोझ लाद दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो मिनिस्ट्री में काम करने के लिए उसका एनवायरमेंट कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहता। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर एक नया मिनिस्ट्री, एक नया मंत्रालय बना दिया जाएगा तो उसमें नए लोग इन्वॉल्व होंगे, तो वर्कफोर्स बढ़ेगा, कहीं ना कहीं जॉब भी ज्यादा बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो लेबर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनको कायदे से आदमी ध्यान रखे। देखिए अगर आप, कहा जाता है ना कि आपके पास एक लेजर शार्प फोकस होता है, जिसे जैसे कि आप जो है एक लेजर की तरह फोकस करना आपको आना चाहिए, लेजर बीम होती है जिस तरह से अगर आप, अगर धूप में आप अगर अगर आप उसको पेपर पर बराबर लगाएंगे तो पेपर को भी जला देती है, तो इतनी ताकत होती है लेजर में। तो अगर ऐसा है लेजर शार्प फोकस के लिए आपको कोई कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है तो लेबर शार्प फोकस की बहुत ही जरूरत है आपको, तो उसी में ये काफी हद तक एक अच्छी भूमिका अदा करती है। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी है। 20 जुलाई 2015 को क्या हुआ, देखिए तो 14 की बात हुई, को मिनिस्ट्री ने क्या किया, लॉन्च किया एक नेशनल कैरियर सर्विसेज, नेशनल कैरियर सर्विसेज पोर्टल एक लॉन्च किया, NCS, ये वेबसाइट है, आप जा सकते हैं .gov.in, ये वेबसाइट है, आप जा सकते हैं इस पे और जाके आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं जिससे कि आपको कभी भी कोई जॉब की जरूरत हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट आपसे पूछेगा कि आप किस सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, और दोनों में। अगर आपकी एज प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में काम करने की, आप गवर्नमेंट में भी काम कर सकते हैं, तो आप जाइए बोथ, यानी कि प्राइवेट और प्राइवेट में, और साथ ही साथ आप प्राइवेट में भी डालिए और उसमें आप अगर चाहे तो आप देखिए आप क्या कर सकते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री में भी डाल सकते हैं और आप गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी डाल सकते हैं, दोनों में डाल सकते हैं। लेकिन अगर जो है अगर अगर जो है आप चाहते हैं कि आपको जो है जॉब जो है वो
गवर्नमेंट में लगे तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट चुनना है, अगर आप चाहते हैं सिर्फ प्राइवेट में लगे क्योंकि आपकी एज लैप्स हो गई है तो आप जो है प्राइवेट में डालिएगा। लेकिन नेशनल कैंसर सर्विसेज वेबसाइट है, देखिए स्किल डेवलपमेंट बनाने का फायदा हुआ ना कि आखिर एक नई चीज निकल के सामने है नेशनल कैरियर सर्विसेज। जैसे लोग प्राइवेट जगह जाके जैसे naukri.com पे जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां जाकर नेशनल कैरियर सर्विस पे जाके एनसीएस पे आ जाइए, गवर्नमेंट के एकदम रिकॉग्नाइज संस्था है ये, इस पे जाके अपना बात आप अपना जो रिज्यूम डाल के अपना काम आगे कर सकते हैं। आप अगर कोई भी जॉब होगी तो आपको बताया जाएगा, गवर्नमेंट का तबका बहुत ही बड़ा है, आपको जॉब मिलने का चांस ज्यादा होता है। अब 20 जुलाई 2015 को क्या हुआ कि जो ये इसको लॉन्च किया गया था मैंने दो बार लिख दिया इसको, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया। और इसका एम क्या था कि उस गैप को भरना, किसके गैप को, जैसे मैंने आपको बताया जॉब प्रोवाइडर और जॉब सीकर के बीच में। जॉब प्रोवाइडर कौन होते हैं, जो कि जॉब देने वाले हैं, तो आपको जॉब प्रोवाइडर बनना है न कि जॉब सीकर। जॉब सीकर का मतलब वो होता है जिनको जॉब की जरूरत होती है, जो जॉब खोजते रहते हैं, तो आपको ज्यादा ज्यादा ताकि इस देश को देश भी ज्यादा ज्यादा बिजनेसमैन को स्टेब्लिश कर पाए, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब क्या था, अब हम आपको ये बताते हैं कि कुछ देखिए कुछ इससे रिलेटेड कुछ ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी स्व वित्त पोषित संस्था है, जो अपना मतलब स्ववित्त पोषित मतलब कि इनको ये किसी ये इसी के अंदर के ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये इन पर डिपेंड है, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट पर पूरी फाइनेंशियली डिपेंड नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक समझ लीजिए इनको आप, ऑटोनॉमस इनको कहा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस केस में। इसमें ये अपना पैसा खुद ही अरेंज करती है, अपने नियम कानून खुद ही बनाती है, इन पर ज्यादा दबाव इसका नहीं होता, सिर्फ ये जो मेन एक फाइनल टच होता है उसके लिए सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड रहती है। इसमें ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये अभी हम लोग इसी वीडियो में इसको पढ़ेंगे। दूसरा है इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विस भी हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। वीवी ग्री नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट भी पढ़ेंगे और सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। इसको आप लोग याद रखिएगा, सारी चीज को नोट बना लीजिएगा जिससे कि आपको। तो मिनिस्ट्री, अब हम बात करते हैं ईपीएफओ की। ईपीएफओ स्टेचुटरी बॉडी है। स्टेचुटरी बॉडी कौन होती है, स्टेचुटरी बॉडी को किसी कानून के द्वारा नहीं बना, मतलब कोई ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई बिल पास किया गया, कोई एक्ट पास किया गया तब उसके बाद कोई बॉडी बनाई गई। बॉडी का मतलब वो जो चीजों को हैंडल करने के लिए एक अलग से एक सिस्टम बनाया जाता है वो होता है बॉडी। तो स्टेचुटरी बॉडी का मतलब वो होता है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे मान के चलिए कि एम्प्लॉय, आपको मैंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा होगा तो बताइएगा हमें, हम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको लिंक भेज देंगे। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑलरेडी हमारी लिंक है, अगर आपने हमारे चैनल पर जाएंगे तो आप उसको वीडियोज में अगर सर्च करेंगे तो आप देख लेंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हमने वीडियो बनाया था, उस पर अच्छा खासा व्यू भी रहा। तो स्टेचुटरी बॉडी जो है वो फॉर्म की गई थी इस एम्प्लॉयज स्टेट प्रोविडेंट फंड और साथ ही साथ मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के द्वारा। देखिए जब भी इस तरह की चीजें बोली जाती हैं, जैसे ये इसको बनाया गया इस एक्ट को पास करके, तो वो एक्ट का नाम याद रखा कीजिए आप, उस एक्ट का नाम आप याद रखा कीजिए। तो स्टेचुटरी बॉडी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इसका जो प्रशासनिक जो एक दबदबा होता है, प्रशासनिक कंट्रोल जो होता है वो हाथ में होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के। तो ईपीएफओ देखिए संस्था है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत, तो इसके जो बॉडी बनाई गई वो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आएगी, और इसमें प्रशासनिक जो कंट्रोल होता है वो हाथ में होता है, जबकि ये जो है ऑटोनॉमस बॉडी है जिसे मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इसका प्रशासनिक, इसका बाकी सारा काम जैसे फाइनेंशियली और बाकी सारी चीज तो ईपीएफओ खुद अपना देख लेती है, लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। आखिर क्यों होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, क्योंकि स्टेचुटरी बॉडी है। स्टेचुटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि जो कि बॉडी पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए या किसी पर्टिकुलर जिम्मेदारी को संभालने के लिए। तो यह फॉर्म किया गया एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंतर्गत। ये इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया था, ये इसी तरह से इसको बनाया गया जिससे कि काम इस तरह हो पाए, इसको बना के इस कानून को पर्टिकुलर बिल के अंदर डाल दिया गया। तो ये एक बता दिया है कि हमने बना रहे हैं फला फला चीज के लिए, हम इस चीज को बना रहे हैं, तो ये चीज हो गया। अब ये क्या करती है, एक काम ईपीएफओ का क्या है, ये असिस्ट करता है। जब आप लोग नौकरी पा जाएंगे तो आप लोग को ये ईपीएफओ ये वाला सेक्शन आपको अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि आप लोग इसी अंतर्गत काम करना है। ये असिस्ट करता है इस काम, यानी कि ये एक सहयोगी का काम करता है, किसका, सेंट्रल बोर्ड का। सेंट्रल अपने सहूलियत के लिए जो भी बोर्ड बनाती रहती है कि जिससे वो किसी पर्टिकुलर काम को कंप्लीट कर पाए, तो उसके लिए ये इसका असिस्टेंट का काम करता है। और ये किस चीज में करता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिंग यानी प्रशासनिक करने का कोई भी कंपलसरी यानी कि बहुत ही जरूरी कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम होती है, प्रोविडेंट फंड स्कीम होती है, उसमें कोई पेंशन स्कीम हुई तो उसमें, और एक कोई इंश्योरेंस स्कीम हुई उसमें, किसमें, वर्कफोर्स में, जो कि इंगेज होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कफोर्स इंगेज है उसके लिए कोई भी कानून बनाने का काम ये संस्था करती है। साथ ही साथ ये नोडल एजेंसी है,
नोडल एजेंसी का मतलब होता है होती मतलब इंपॉर्टेंट एजेंसी है इस चीज के लिए जो किसी पर्टिकुलर काम को करने में माहिर होती है, वो एजेंसी है इंप्लीमेंट करने के लिए बायलैटरल यानी कि दो दो लोगों के बीच में होता है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये बायलैटरल या ट्राइलैटरल इस तरह के ज्यादातर वर्ड तब यूज होता है जब एक या एक से अधिक देश इन्वॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ पे भी है कि ये एक नोडल एजेंसी का काम भी करती है कि एक इस तरह से समझिए कि नोडल एजेंसी का मतलब कि यहां से इसका एक इंटरनेशनल लिंक शुरू हो गया इंप्लीमेंट करने के लिए बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट बाकी देशों के साथ रेसिप्रोकल बेसिस पे। यानी कि रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अगर एक देश में कोई चीज लागू हो रहा है तो दूसरे देश में वो चीज लागू नहीं होगा। तो इस तरह का कोई चीज है तो उसको भी लागू करने में आगे होती है। कारण क्या है इसका, सबसे बड़ा आप लोग समझ जाइए इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो भी स्कीम ईपीएफओ के अंतर्गत बनाई जाती है वो कवर करते हैं इंडियन और साथ ही साथ इंटरनेशनल वर्कर्स को भी, जो कि यानी हमारे देश में इंडियंस है वो इंडियन जो हमारे देश में काम कर सारे इंटरनेशनल वर्कर्स हैं यानी हमारे देश के हैं वो लेकिन बाहर जाके काम कर रहे हैं एनआरआई जिसको कहते हैं वो लोग हैं, तो वो लोग को ये स्कीम को जो भी स्कीम बनाती है कवर करती है। और ये ज्यादा उन देशों के साथ होता है जिनके साथ हमारा बायोलेटरल एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। जैसे कि होता नहीं आपने सुनते हो कि मोदी जी गए इस देश के विदेश इस दौरे पे गए विदेश के विदेश दौरे पे हैं, तो आखिर कहाँ जाते हैं वो, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने जाते हैं, कुछ कानून साइन करते हैं, कुछ लोग बनाते हैं कि देखिए आप जैसे मान के चलिए कि मैं आपको ऐसे समझाता हूँ आप समझ जाएंगे कि जैसे कहेगा कोई देश है अगर उसने क्या किया कि कोई 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 कानून मान लीजिए कि हमारा इंडिया है उसने उसने तीन कानून बनाए लेवल लॉ के रिलेटेड। अब उस पर क्या हुआ कि उसमें सोशल सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। मान के लिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, अब अमेरिका में आप गए तो अमेरिका में कहा गया कि नहीं हमारे यहाँ तो कैपिटलिज्म है हमारे यहाँ तो इतना नहीं देखा जाता है, तो आपने जो सोशल सिक्योरिटी का बनाया वो हमारी लिस्ट से निकाल दीजिए। हम कहेंगे कि नहीं हम नहीं निकाल सकते। तो एक हम लोगों में एक डिबेट हुआ, एक नेगोशिएशन वाली जो बात करते हैं एक मोल भाव वाली बात है तो वो हुई। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ठीक है इसकी जगह पे सोशल सिक्योरिटी की जगह पे हम सोशल वेलफेयर डाल देंगे। तो ये उनके कानून में जब ईपीएफओ हमारे किताब में रहेगा तो हम उसको पढ़ेंगे सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे देश में वही लागू है और उनके देश में बनेगी सोशल वेलफेयर अमेरिका में, तो उनके क्योंकि उनका तो वही है उसमें इंडियन जो भी वहां के लोग स्टडी करने वाले या वहां के जो डेमोक्रेट है बनने जो डेमोक्रेटिक बनने डेमोक्रेट बनने के लिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक रिसर्च का सब्जेक्ट हो जाएगा सोशल, जैसे बताया मैंने उसकी सोशल सिक्योरिटी, तो सोशल वो लोग सोशल वेलफेयर बना देंगे। तो ये एक तरह से ये ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ, फिर भी देखिए बाकी के दो लॉ उन्होंने ले लिए और हमारे लॉ में थोड़ा संशोधन करके उसको अपने देश के हिसाब से ऐड कर लिया, ये कोई गलत चीज नहीं है। ये कहते हैं इससे बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय एक तरह से संबंध जिसको कहते हैं बायलैटरल रिलेशन द्विपक्षीय संबंध एक एस्टेब्लिश हो गया और ये इंटरनेशनल वर्कर्स के बीच में और इंडियन वर्कर्स के बीच में हो गया ये चीज। ये चीज है अब क्या है, तो ये सारी चीज की गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईपीएफओ जिसमें आप काम करने जा रहे हैं तो उसमें आपके कैसे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट होता है, स्टेचुटरी बॉडी क्या है और किस तरह से असिस्टेंट करती है, इसका काम एक्चुअली क्या है वो आप लोग समझ चुके होंगे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। मैंने आपको जैसे पहले भी बता दिया कि हमारी जो अपकमिंग वीडियो आएगी उसमें हम आपको पढ़ाएंगे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विसेज, वीवी ग्रीन नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर एजुकेशन, ये पढ़ाएंगे आपको। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जैसे मैंने आपको बताया कि आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, हमने रिच गाय पे भी हमें फॉलो करिएगा, टिस्का अकेडमी में फॉलो कीजिएगा, रिच गाय पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो, और साथ ही साथ आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हर तरह का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, 9 दिन के अंदर हम डिलीवरी कर देंगे, एकदम वाजिब रेट पे आपको मिलेगा। फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और ईपीएफओ की कंप्लीट कोर्स सीरीज चल रही है इनको खुद भी देखिएगा और जो भी आपके दोस्त यार हैं उनके तक पहुंचाएगा। और साथ ही साथ जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स में क्या अंतर होता है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स हमारे साथ अभी तक इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।